हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राजेश। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और कन्नड़ा मूवी की, जिसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है सचिन मोगावीर ने कहा था। तो यार ये वीडियो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको नजर आते हैं बादशाह ऑफ कन्नड़ा सिनेमा यानी किच्चा सुदीपा, नित्या मेनन, प्रकाश राज सर, नासिर, रवि कुमार और एक छोटे से स्पेशल रोल में अच्युत कुमार। अच्युत कुमार उन एक्टर्स में से कनाडा सिनेमा के जो आपको लगभग हर मूवीज में नजर आते हैं। और अच्युत कुमार की बात करो तो एक बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट एक्टर है, मगर यहाँ पर उनके लिए कुछ स्कोप नहीं था। उसी वजह से कैमियो 5 मिनट का सीन है उनका, लेकिन आते चले आते, लेकिन मैं आपको बता रहा कि वो हर एक फिल्म में होते हैं। खैर इस फिल्म की बात करो तो कहानी है दो भाइयों की, सत्यम और शिवम की। अब इनको लेकर कुछ ट्विस्ट है, वो मैं ट्विस्ट यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा। खैर कहानी शुरू होती है एक बड़ी चोरी से, यानी करोड़ों की ब्लैक मनी चोरी होती है और वो चोरी करता है शिवम यानी कि किच्चा सुदीप। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है कोटिगोवा 2 या तो हिंदी में बोले तो गोलीमार 2। अब ये मूवी मुझे कैसे लगी, तो देखिए ये मूवी फुल टू एंटरटेनिंग मूवी। इस मूवी में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी किच्चा सुदीप सर और नित्या मेनन के बीच में, जो आपकी एक मसाला एंटरटेनिंग मूवी से जो एक्सपेक्टेशन होगी वो एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है ये फिल्म, जिसका नाम है कोटिगोवा 2। इस फिल्म का जो सबसे बेहतरीन पार्ट लगा वो था एक इमोशनल सीन जो कि प्रकाश राज सर और एक बच्चे के बीच में। अब वो क्या है वो तो आप इस फिल्म में देख लेना, लेकिन वो सबसे बेस्ट पार्ट है इस फिल्म का। और ये फिल्म मुझे सबसे अच्छी लगी, अच्छी इसके लिए लगी क्योंकि देखिए कहने को तो ये सिंपल मास्ट एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन कहीं पर आपको बोर होता नहीं और जो बीच बीच में छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसको वजह से आपकी एक इंटरेस्ट इस फिल्म के साथ बना रहता है। और ये फिल्म थ्रू आउट द वे आपको एंटरटेन करेगी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस फिल्म में आपको कुछ हटके अलग देखने को मिलता है, लेकिन इतना है कि यहाँ पर आपको किच्चा सुदीप सर और उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और साथ साथ इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी लगी और जो इमोशनल म्यूजिक थी वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और जो क्लाइमेक्स का ट्विस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। हाँ विलन की बात करें तो विलन है मगर कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो नाम के लिए विलन है, मगर मेन विलन का जो यहाँ पर रोल प्ले किया वो है पुलिस ऑफिसर यानी रवि कुमार ने रोल प्ले किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के ये मूवी आपको देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आपको साउथ की फिल्में देखना पसंद है, अगर आपको किच्चा सुदीप सर की मूवीज देखना पसंद है, तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। और मैं हूँ राशिद शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। तो टिल देन दुआ में याद रखना। मैं आई थिंक अगला जो रिव्यू करूंगा वो साइको मूवी जो एक तमिल मूवी है उसका रिव्यू करूंगा, या तो फिर एक MX प्लेयर पे आई सीरीज समांतर उसका रिव्यू करूंगा। थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, देखते क्या करते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।